और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हरिद्वार में उफनती पीली नदी में चार मजदूर फंस गए। पीली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से ये मजदूर फंसे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में उफनती नदी में चार मजदूर फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चार मजदूर अचानक से जलस्तर पीली नदी का बढ़ गया था, उसके बाद फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। तो पीली नदी में फंस गए ये चार मजदूर और फिर प्रशासन मौके पर पहुंचा। हरिद्वार की तस्वीरें, सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और उसके बाद सभी को सुरक्षित उनके घर भेजा गया। तो तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया पीली नदी का और इसी दौरान चार मजदूर फंस गए। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और मोबाइल से ये फोटो खींचने की वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रात के बाद चारों का रेस्क्यू किया गया। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बिहार से, जहां पर बारिश का कहर राजधानी पटना के कई हिस्सों में जलभराव का कारण बना। बिहार विधानमंडल परिसर में भी भारी बारिश हुई है और पानी भरा है। विधानमंडल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। सचिवालय के थाने में भी जल जमा हो गया है। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। बिहार की ये तस्वीर है जहां पर विधानमंडल का जो कैंपस है उसमें भी पानी भर गया। बारिश ने किस तरह से परेशानी बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में ये तस्वीर आपके सामने है। आसमानी आफत से विधानमंडल का कैंपस भी नहीं बच पाया और वहाँ भी पानी भर गया। और ये वीआईपी एरिया होता है, कहा जाता है यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं वो दुरुस्त रहती हैं, लेकिन बारिश पटना में जब जमाजम हुई तो किस तरह से सचिवालय थाना पानी में डूब चुका है, किस तरह से अब ये पूरा परिसर आप देखिए घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया। और उसी के बीच से आते जाते आपको लोग दिखाई दे रहे हैं विधानमंडल परिसर पटना में, जहाँ भारी जल जमाव दिखाई दिया। तो बिहार का ये वीवीआईपी एरिया है जहाँ पर एमएलसी जाते आते रहते हैं, तमाम मंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश के बाद क्या हुआ ये आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर के बाहर पानी भर गया है। बारिश का पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली बार भी ये हालत देखने को मिली थी। थोड़ी देर के बारिश के बाद पटना में क्या हालात हैं हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए रेणु देवी डिप्टी सीएम का आवास है और इनके आवास पर पानी लग चुका है, पानी जमा हो चुका है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि पानी यहाँ पर बड़े पैमाने पर लगता है इसलिए यहाँ पर जनरेटर लगाया गया है पानी निकालने के लिए, ताकि जो जल जमा हुआ है उससे निजात दिलाया जा सके। अंदर भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर है और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा नीचे झुक कर दिखाएं, क्योंकि ये गेट है जो वो बंद कर दिया गया है मीडिया कर्मियों के लिए और अंदर कोई जा ना सके, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीर आप देखिए कि ये डिप्टी सीएम के आवास का हालात है और इस बार उन्हें निजात दिलाया जा सके जल जमाव के लिए टेम्प्रोरी बेसिस पर जनरेटर लगाए गए हैं, पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी हालात कमोबेश वही बने हुए हैं और लगभग आधे घंटे की बारिश में ऐसे हालात बने हैं कि पंपिंग सेट के जरिए पानी निकालना पड़ रहा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम के घर की ये स्थिति है, दूसरे जगह की क्या स्थिति होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया पटना। और इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।